सामने आके देखो, यदि एक भी ट्रैक्टर नीलाम हो गया तो 17 में महाभारत होगा, पूरे देश का किसान 17 में पहुंचेगा। एक और उन्होंने घोषणा की है कि यदि एक लाख का कर्जा अदा नहीं किया गया फिर भी होगा तो मध्य प्रदेश के मकान और दुकान नीलाम कर दिए जाएंगे। मैं आगाह कर देना चाहता हूं इस मंच से कि मध्य प्रदेश में किसी मकान या दुकानों की नीलामी की गई तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सामने भारतीय किसानों के संघर्ष के लिए मैदान में होगी और चुनौती के साथ होगी, नीलामी नहीं होने दी जाएगी, हिंदुस्तान में किसान की नीलामी नहीं होगी। हमारी डिमांड ये है कि पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो, यहाँ से उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो, उत्तर प्रदेश करे फिर केंद्र सरकार करे अगर कुछ बचता है। यहाँ पे आलू की खरीद की गारंटी की घोषणा इन्होंने करी थी, कोई आलू की खरीद नहीं हुई और जो 450 रुपया दिया है वो बहुत कम है, करीब 250 रुपया क्विंटल तो कोल्ड स्टोर का ही खर्चा आ रहा है। गन्ने का भुगतान का मामला है वो नहीं अभी हुआ, उसके बाद में बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, ये वो हमारे इशू हैं। किसानों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाते हैं वो इशू है। अभी तो सरकार बातचीत ही नहीं करती, हम कहें किसको भाई, प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं मिलता, देश का प्रधानमंत्री किसानों से नहीं मिलता तो बात किसको कहें। हमारा आंदोलन करने का एक मीडिया के माध्यम से हमारा एक ये है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। हमारा ये है कि सरकार से टोक होनी चाहिए, सरकार के साथ में बैठ के बातचीत हो और बातों का आदान प्रदान हो, उससे बहुत समस्याओं का समाधान होगा। जो किसानों की आवाज है वह एक किस्म से दबगी, उसे कोई नहीं उठाना चाह रहा, जो घोषणा होती है सब सरकार की तरफ से हवा में चल रही। हाँ, जैसे मोदी कहा कि गरीबन का हम पिल्सिन बनवाएंगे और कार्ड देंगे, जो कार्ड मिला था उसको कटवा दिया, जो पिल्सिन मिलती थी उसको कटवा दिया। रही हमारी इंडस्ट्रीज, वहाँ गन्ना फैक्ट्री है, जो हम गन्ना देती है, चीनी 4000 रुपए होने के पश्चात भी हमारे पेमेंट ठीक तरह से नहीं मिल रहा। जी सर, हम लोगों के राशन कार्ड बना दिए हैं, एक परिवार के नाम लिख दिए हैं और पूरे परिवार के नाम में नहीं, हमारे लड़का है, पतो है, पोती है, उनके सबके नामे निशान नहीं देते हैं, गरीबों के नाम, और जिनके बड़े जो बड़े काश्तकार हैं उनका बोरे बोरा वैसे लदाई देते हैं और वे बोरे बोरा लिए चले जाते हैं। हमने सरकार बना दी, हमने हमारे मुजफ्फरनगर जिले के 6 विधायक है, 6 के 6 भाजपा के, तो वह तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती होगी। एक केंद्रीय मंत्री भी है संजीव बालियान जी, वे भी हमारे परिवार से हैं, उनकी नहीं जिम्मेदारी बनती। चौधरी हुकम सिंह जी है, वे भी हमारे परिवार के, ये बिल्कुल जान पहचान के, उनकी नहीं जिम्मेदारी बनती। कंवर भारतेंदु है, बिजनौर से सांसद है भाजपा के, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। एक वहाँ के बागपत के है, MP है बागपत के, में भी जाट बिरादरी से ताल्लुक रखे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या हम उन्हें बना के और फिर उनके इंतजार में रहे भाई फिर हम भी आंदोलन करें वो करें, तो ये तो जिम्मेदारी उनकी भी तो है जिन हमने वोट दी, जो सरकार में आज सरकार में है, सरकार में मंत्री है, MP है, उत्तर प्रदेश में विधायक भी है और MLA है, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं।